आशीष बैठो बैठो। याओ प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माफ कर दो। से पहले तुम्हारी बाहों में कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया आशीष, इतना प्यार कभी नहीं महसूस किया जितना आज किया। बस अश्रुटी अश्रुटी बस अश्रुटी। क्यों किया तुमने ऐसा आशीष मेहता, क्यों किया? इतनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने आशीष, क्यों? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना आशीष, तो बेस्ट फ्रेंड, कम से कम मुझे तो एक बार सच कह देते ना आशीष। एतबार नहीं था मुझ पे आशीष, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया जीना भी छोड़ सकती थी, एक बार कहकर तो देखते ना आशीष, अगर तुमने तो मुझे सच के काबिल ही नहीं समझा, झूठ बोलते रहे 11 साल। आशीष 11 साल तुम झूठ पे झूठ बोलते आए हो, 11 साल। प्लीज नाराज मत होना, मैं तुम्हारे साथ गलत किया। I'm sorry, Ashri. Please. I'm sorry. मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। But I love you, Ashri. I love you, Ashri. प्यारी फैमिली है तुम्हारी आशीष, इतनी प्यारी बच्ची है, उसके साथ क्यों धोखा किया तुमने? वो तो बच्ची है ना आशीष। क्या करता मैं, माँ ने मुझे मजबूर किया था। माँ सॉरी आशीष, आई एम सॉरी। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप, अपने आप। इतना कुछ किया तुमने मेरे साथ आशीष, पता नहीं उसके बाद भी क्यों मेरे मन में अब भी प्यार है तुम्हारे लिए। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। I just want to hate you. समझ नहीं आ रहा कि मैं नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ तुमसे, समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ। Ashri, I love you. Go. I love you. Sorry, Ashri.
सॉरी सॉरी आशी सॉरी सॉरी मेरी किस्मत देखो तुम आशीष आशुड़ी हालत देख रही हो मेरी अमरेक देखो तुम्हारे प्यार ने क्या कर दिया है मुझे बहुत हो गया आशीष अब और नहीं आज तक जितनी शिद्दत से मैंने तुमसे प्यार किया है आज से उतनी ही शिद्दत से से नफरत करूंगी सॉरी मैम आपकी बात तो मैंने मान ली अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी बोलो बाबा मुझे सिकंदर चाचा चाहिए दहेज में मैं चाहती हूं कि शादी के बाद सिकंदर चाचा यही आकर मेरे साथ रहे और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मां तो मैं ये शादी नहीं करूंगी माँ दूध पी लीजिए वो आपको जगा हुआ देखा तो सोचा ले आऊं नीला कहाँ है अपने कमरे में माँ मैं जानता हूँ कि आप आज की बात को लेके परेशान हैं लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैंने ना हेतल को काम पे लगा दिया वो नीला को बिजी रखेगी क्या क्या जानती है नीला क्या जानती है वही तो मैं पूछ रही हूँ वो जानती तो जरूर है लेकिन कितना जानती है कितना जानती होगी माँ अरे तू कभी तो दिमाग लगा के काम करेगा कि नहीं या ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा माँ अगर नीला को पता होता तो वो फौरन शादी कैंसिल करा देती लेकिन उसने नहीं किया क्यों तुझे क्या लगता है आज आशीष ने जो कुछ भी किया हेमंत भाई को पता नहीं चला होगा कि वो शराब पीकर आया है वो तो हेमंत भाई मेरे देव पुरुष है उनका बड़प्पन है कि सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने मुझे किसी तरह के सवाल पूछकर शर्मिंदा नहीं किया तो फिर परेशानी की क्या बात है मां नीला वो कहती कुछ और है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है आजकल उसका बर्ताव कुछ बदला हुआ है क्या खेल खेल रहा है तू फिर से मेरे साथ चल तू कोई भी चाल चल मैं हारने वाली नहीं हूं तू चाल चल मैं तैयार हूं